हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सबसे पहले कक्षा 9 से जो विद्यार्थी पास आउट होकर कक्षा 10 में पहुँचे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये जो सीढ़ी आप अब चढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12th की, ये सीढ़ी में आने वाले सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं भी आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज कक्षा 12th का जो साइंस का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसके साथ आने वाले टाइम में आपके साथ मैथ का भी सीन हम आपके साथ क्लासेस लेके आएंगे और जितना संभव प्रयास हो सकेगा उतना संभव प्रयास आपको ऑनलाइन के माध्यम से देने का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो विद्यार्थी कक्षा 10 में आए हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उन लोगों के लिए एक विशेष सूचना ये है बेटा कि अब आपकी जो न्यू है वो स्टार्ट हो चुकी है। न्यू होने का मतलब है जब घर बनता है तो घर बनने से पहले जो नीचे पोर्शन भरा जाता है वो बहुत मजबूत भरा जाता है, क्योंकि उस न्यू पे पूरा मकान हमारा खड़ा होता है, इसलिए उस न्यू को बहुत अच्छे से भरा जाता है। सेम उसी प्रकार जब हम भविष्य में कुछ आगे कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अपने जीवन को एक दिशा देने का काम जब करते हैं, तो जो नींव होती है वो 9, 10, 11 और 12 से ही बनाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर ये 4 साल आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं देन आपका आने वाला जो समय है वो बहुत बेहतर बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं उनके लिए ऑनलाइन के माध्यम से हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी पास शिक्षा बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन ढंग से पहुँच सके। इसी के साथ और जो भी बच्चे आपसे जो भी आपके मित्र वगैरह हैं दोस्त वगैरह हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, उन लोगों की भी मदद हो सके। चलिए समय न गवाते हुए बात करते हैं सबसे पहले कक्षा 10th की साइंस सिलेबस की। आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं बेटा, पहला हिंदी, अंग्रेजी, मैथ यानी गणित, साइंस यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला या फिर कंप्यूटर। कला या कंप्यूटर में चॉइस रहती है, कोई कला लेता है कोई कंप्यूटर लेता है। तो आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट होने के साथ आपके पास 6 सब्जेक्ट के साथ 6 जो सब्जेक्ट होते हैं उनके 100-100 नवंबर के पेपर होते हैं। पेपर बेसिकली आपका जो लिखित होता है, जो लिखित पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल दिए जाते हैं स्कूल के बेस पर कि आपका कैसा बिहेवियर रहा है, आपने पूरे साल किस तरीके से काम किया है, स्कूल में कैसा आपका नेचर रहा है, आपने पढ़ाई में कैसे हैं, उस आधार पे आपको 30 नंबर दिए जाते हैं और कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको 30 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल की तरफ से। ठीक है, और 70 नंबर का जो आपका सिलेबस दिया होता है हर सब्जेक्ट में वो आपको दिया जाता है। ठीक है, उस आधार पर आपको जितने भी नंबर आप लाते हैं 70 में से वो काउंट हो जाते हैं और 30 ही आपको मिलते हैं, तो उस आधार पर 100 की जो मार्किंग होती है वो उस आधार पर होती है। इसका मतलब है 6 सब्जेक्ट हमारे पास हैं तो 6 सब्जेक्ट में 100-100 नंबर के सभी पेपर हो गए। सभी सब्जेक्ट कितने नंबर के आएंगे बच्चा? 100-100 नंबर के आएंगे, तो यानी कि हमारे पास हो गए टोटल नंबर 600। ठीक है, तो 600 नंबर का टारगेट हमें लेके चलना है। उसमें से आप कितना अच्छा कितना बेहतर आप कर पाएंगे वो तय करेगा कि आप अपने माँ बाप के साथ जो बढ़िया वाली प्राउड वाली फीलिंग होगी वो आप दिला पा रहे हैं कि नहीं दिला पा रहे हैं। वो जब आप मेहनत करेंगे, जब आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, पूरी साल आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित है आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। इसलिए निरंतर पढ़ते रहिए, खेलने के टाइम पे खेलिए, पढ़ने के टाइम पे पढ़ के दबा के पढ़ाई कीजिए, इन्जॉय के टाइम पे इन्जॉय कीजिए, यानी कि सब चीज़ें एक सही दिशा में और एक सही टाइम पर अगर आप करते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, 6 सब्जेक्ट हो गए हैं हमारे पास, 6 सब्जेक्ट के 100-100 नंबर का पेपर हो गया, तो उसमें से जो आज हम पहली बात करेंगे वो करेंगे साइंस सिलेबस की। साइंस जिसे हम लोग विज्ञान कहते हैं, आप जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं तो हम जो विज्ञान पढ़ते हैं उसमें 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं, दूसरा पोर्शन होता है रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, तीसरा जो पोर्शन होता है साइंस में जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग जिसे बायोलॉजी कहते हैं। तो हमारे पास साइंस के 3 पोर्शन होते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं किसके? साइंस के। यही 11 में चल के तीनों पोर्शन अलग अलग हो जाते हैं। फिजिक्स आपको अलग पढ़नी होती है, केमिस्ट्री आपको अलग पढ़नी होती है, बायोलॉजी आपको अलग पढ़नी होती है, लेकिन 10th तक इसमें हम लोग कंबाइंड चीज़ें पढ़ते हैं। तो जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो थ्योरी का पोर्शन है वो 70 नंबर का पेपर आता है। इसमें से नया जो पैटर्न अभी आया है वो ये कहता है कि 70 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होगा, लेकिन उसमें भी आपके पास 20 नंबर जो होंगे
20 नंबर जो होंगे, 20 मार्क्स जो होंगे वो होंगे मल्टीप्लाई चॉइस। कैसे होंगे? एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होंगे, मल्टीप्लाई चॉइस जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे, मतलब गोला मार्क भरना है आपको। तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स में जब नॉलेज होगी तब आप 20 नंबर ये कर पाएंगे। और जो बच्चा इन 20 नंबर को बहुत अच्छे से कर पाएगा, सही सही कर पाएगा, वही अपनी रैंक बना पाएगा हाई स्कूल में, ठीक है। तो इन पे भी हमें आवश्यक है कि अब हमारी जो थ्योरी थ्योरी की बात रह गई बच्चा, वो कितनी रह गई रिटर्न रिटर्न की? वो रह गई बेटा 50 नंबर की। कितनी की रह गई है? 50 नंबर हमें लिखने हैं, 20 नंबर हमें क्या करने हैं? टिक करने हैं, यानी कि मल्टीप्लाई चॉइस। तो 50 नंबर का ये ब्रिटेज हमारा लिखने का रह गया, ठीक है। जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो बेसिकली हमने जितने भी एनालिसिस किया है तो लगभग सभी एग्जाम, मतलब जितनी बार अभी पेपर हुए हैं, तो फिजिक्स का जो पोर्शन आता है वो लगभग 23 से 24 नंबर का या 25 नंबर का पूछ लेते हैं। सेम बायोलॉजी का ब्रिटेज रहता है, 23 से 24 नंबर या 25 नंबर पूछ लेते हैं। जनरली हमने इसको लिख दिया कि 25 नंबर का आपका फिजिक्स हो गया, 25 का आपका बायोलॉजी हो गया, 20 नंबर की आपकी केमिस्ट्री हो गई, यानी कि रसायन विज्ञान हो गया। बात समझ में आ गई? 70 का टोटल पेपर होता है जिसमें से 25 नंबर की फिजिक्स हो गई, 25 की हो गई बायोलॉजी, और 20 की हो गई आपकी रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, ठीक है बच्चा। इसके बाद इनके जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं कि क्या हमें पढ़ना है, तो हमारे पास टोटल मिला के 4, 8 और 4, 12 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं बच्चा? 12 चैप्टर होते हैं जिन्हें हमें डिटेल्स में पढ़ना होता है। भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो पहला जो टॉपिक्स आता है, यानी पहला चैप्टर नाम आता है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन की और प्रकाश जो हमारे पास लाइट है इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं। दूसरा जो चैप्टर हमारे पास होता है, अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, इसके बारे में। दूसरा जो टॉपिक्स होता है, मानव नेत्र हमारी जो आँख है उसकी संरचना कैसे है, कैसे वर्क करता है, आँख में कौन कौन से दोष हो जाते हैं, कभी पास का नहीं दिखता है, कभी दूर का नहीं दिखता है, कभी हमें बहुत सारी चीज़ों की कठिनाइयाँ होती हैं देखने में, तो मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे। वर्ण विच्छेपण, कैसे आपका इंद्रधनुष बनता है, कैसे आपका प्रकीर्णन होता है, आपका खतरे का सिग्नल लाल होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये सब जो घटनाएं हैं वो हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर की बात होती है विद्युत धारा, करंट से रिलेटेड जो भी बात होती है, हमारे घरों में जो बिजली काम करती है, हमारे घरों में प्रेस कैसे काम करती है, हमारे घरों में बल्ब कैसे काम करता है, हमारे पास लाइट कैसे आती है, कैसे लाइट बनती है, एसी करंट क्या होती है, डीसी करंट क्या होती है, और भी बहुत सारी जो बातें होंगी वो हम विद्युत धारा के चैप्टर में करने वाले हैं। तीसरा जो चौथा चैप्टर होता है, लास्ट चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, विद्युत मोटर वगैरह सिद्धांत है, लेकिन अभी जो रिसेंटली आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, तो हम लोग जो चुंबक से रिलेटेड बातें होंगी, चुंबक कैसे बनता है, कितने पोल होते हैं चुंबक के पास, नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल का क्या रिएक्शन रहता है, किस तरीके से चुंबक के बारे में रिलेटेड जो बातें हैं वो करेंगे, और विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव दिखाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो बात हो गई आपकी फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स में हम लोगों को बेसिकली कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में भी हमारे पास 4 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, कैसे रिएक्शन बनती हैं, कैसे उनको हम लोग संतुलित करते हैं, कैसे उनका समीकरण हम बनाते हैं, ये सब आधार पे हम लोग पहले चैप्टर में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होता है जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। क्या नाम है अगले चैप्टर का? अम्ल क्षार एवं लवण। इस चैप्टर के बारे में हम लोग बेसिकली अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं क्षार कहलाते हैं, अम्ल क्षार की जब क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, इस तरीके से सब चीज़ें कैसे अम्ल होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो भी चीज़ें होंगी डिटेल्स में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं अम्ल क्षार तथा लवण में। अगला जो केमिस्ट्री का चैप्टर होता है उसमें धातु और अधातु होता है। धातु क्या होती है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है, धातु की रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे धातुओं को हम लोग अलग करते हैं, कैसे धातु को निकालते हैं, धातु के अयस्क क्या होते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस थर्ड चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक्स नाम है वो है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि केमिस्ट्री बनी ही कार्बन के द्वारा, आधी केमिस्ट्री कार्बन कार्बन से ही रिलेट करती है, तो ये जो चौथा चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्बन और उससे बने हुए जो यौगिक हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद बात आती है जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में हमें भी 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। एक है जैव प्रक्रम,
ठीक है, कि जीवन कैसे बना, कैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ, किस तरीके से हमें आगे प्रोसेस पूरा बना, उस तरीके से जैव प्रक्रम कैसे हुआ, नियंत्रण एवं समन्वय, हमारे बॉडी में कैसे नियंत्रण होता है, कैसे समन्वय होता है, जीवों में कैसे नियंत्रण समन्वय होता है, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जीव जनन कैसे होता है, कैसे जीव जनन होने का मतलब है, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है, कैसे आपका भ्रूण बनता है, कैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग जीव जनन के बारे में अध्ययन करने वाले होते हैं। इसके बाद अनुवांशिकता एवं जैव विकास, कि हमारी जो जैव प्रक्रियाएं हैं वो कैसे बढ़ी। अनुवांशिकता का मतलब है कि आपका पिताजी के साथ आपके गुण कैसे मिलते हैं, माताजी के साथ कैसे मिलते हैं, इस तरीके से ये सब जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम इसमें करेंगे। एक चैप्टर इसमें पर्यावरण का भी ऐड कर लिया जाता है जीव विज्ञान में, तो हम उसको भी अगर होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर सिलेबस चेंज होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो उसके बारे में फिर आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाल फिलहाल जो दिया गया है आपको वो ये दिया गया है कि ये चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। अगर सिलेबस भी चेंज होता है बच्चा, तो सिलेबस चेंज ऐसा तो है नहीं कि दूसरे प्लैनेट से रख देगा कुछ। अगर सिलेबस भी कभी चेंज होता है मान लीजिए बाय द वे, तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरी चीज़ें पूछ ले आपसे। आपसे जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो कहीं ना कहीं इन टॉपिक से रिलेटेड ही होंगी। अगर सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चेंज होता है तो आपको पढ़नी यही बस सब चीज़ें होंगी। वो कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं थोड़ा घटा देंगे कहीं थोड़ा बढ़ा देंगे, वो उनकी व्यक्तिगत हो सकता है, सरकार की जो भी चीज़ें रहेंगी, लेकिन बेसिकली हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है बच्चा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले पेज पर फटाक से ये पूरा लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में बहुत सारी सुविधाएँ हों। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें तो आपकी पहली प्राथमिकता यही होती है कि आप उसका सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब हमारे पास एक डायरेक्शन होती है कि हमें जाना कहाँ है तो हम बहुत अच्छे से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमें पहले ये पता हो, ऐसी तरीके से हमने जो ऐसा आपके सामने लिखा है इसी तरीके से हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में क्या क्या हमें पढ़ना है। सब चीज़ें हम पहले आपके लिखेंगे, एक एक करके सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो आप रेगुलर फॉर्म में जुड़िए, आपके साथ रेगुलर फॉर्म में वीडियो आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें। ठीक है, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व का मतलब है अपना करैक्टर इस तरीके से आपको बनाना है कि जो भी आपके साथ रहे वो अच्छा फील करे। आप अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने घर और खुद का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।